ओम गण गणपते नमः। ओम नमो नारायण। मेरे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं श्री मद भगवत गीता के 12वें अध्याय का महात्म्य कर रही हूँ। पाठ आरंभ करने से पहले जो भी मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं, उन सभी से अनुरोध है कि मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर उसे ऑल पर सेट कर लें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो हमारे इस अध्याय का नाम है भक्ति योग। श्री मद भगवत गीता के 12वें अध्याय का महात्म्य अब आरंभ होता है। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती, दक्षिण दिशा में कोल्हापुर नामक एक नगर है, जो सब प्रकार के सुखों का आधार है, सिद्ध महात्माओं का निवास स्थान तथा सिद्धि प्राप्ति का क्षेत्र है। वह पराशक्ति भगवती लक्ष्मी का प्रधान पीठ है। संपूर्ण देवता उसका सेवन करते हैं। वह पुराण प्रसिद्ध तीर्थ भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। वहाँ करोड़ों तीर्थ और शिवलिंग हैं। रुद्रगया भी वहीं पर है। वह विशाल नगर लोगों में बहुत विख्यात है। एक दिन कोई युवक पुरुष उस नगर में आया। वह कहीं का राजकुमार था। उसके शरीर का रंग गोरा, नेत्र सुंदर, ग्रीवा शंख के समान, कंधे मोटे, छाती चौड़ी तथा भुजाएं बड़ी बड़ी थी। नगर में प्रवेश करके सब ओर महलों की शोभा निहारता हुआ वह देवेश्वरी महालक्ष्मी के दर्शनार्थ उत्कंठित हो मणिकंठ तीर्थ में गया और वहां स्नान करके उसने पितरों का तर्पण किया। फिर महामाया महालक्ष्मी को प्रणाम करके भक्ति पूर्वक स्तवन करना आरंभ किया। राजकुमार बोला, जिसके हृदय में असीम दया भरी हुई है, जो समस्त कामनाओं को देती तथा अपने कटाक्ष मात्र से सारे जगत की सृष्टि पालन और संहार करती, उस जगत माता महालक्ष्मी की जय हो, जिस शक्ति के सहारे उसी के आदेश के अनुसार परमेष्ठी ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, भगवान अच्युत्य जगत का पालन करते हैं तथा भगवान रुद्र अखिल विश्व का संहार करते हैं, उस सृष्टि पालन और संहार की शक्ति से संपन्न भगवती पराशक्ति का मैं भजन करता हूँ। कमले, योगी जन तुम्हारे चरण कमलों का चिंतन करते हैं। कमलालय, तुम अपनी स्वाभाविक सत्ता से ही हमारे समस्त इंद्रिय गोचर विषयों को जानती हो। तुम ही कल्पनाओं के समूहों को तथा उसका संकल्प करने वाले मन को उत्पन्न करती हो। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, ये सब तुम्हारे ही रूप हैं। तुम परासंवित परम ज्ञान रूपिणी हो। तुम्हारा स्वरूप निष्कल, निर्मल, नित्य, निराकार, निरंजन, अंतरहित, आतंक शून्य, आलंबविहीन तथा निरामय है। देवी, तुम्हारी महिमा का वर्णन करने में कौन समर्थ हो सकता है? षट चक्रों का भेदन करके अंतःकरण के 12 स्थानों में विहार करती है। अनाहत, ध्वनि, बिंदु, नाद और कला, ये जिसके स्वरूप हैं, उस माता महालक्ष्मी को मैं प्रणाम करता हूँ। माता, तुम अपने पूर्ण चंद्रमा से प्रकट होने वाली अमृत राशि को बहाया करती हो। तुम ही परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी नामक वाणी हो। मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। देवी, तुम जगत की रक्षा के लिए अनेक रूप धारण किया करती हो। अंबिके, तुम ही ब्राह्मी, वैष्णवी, माहेश्वरी शक्ति हो। बाराही महालक्ष्मी, नरसिंही, इंद्री, कौमारी, चंडिका और जगत को पवित्र करने वाली लक्ष्मी, जगत माता सावित्री, चंद्रकला तथा रोहिणी भी तुम ही हो। परमेश्वरी, तुम भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए कल्पलता के समान हो, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। उसके इस प्रकार स्तुति करने पर भगवती महालक्ष्मी अपना साक्षात स्वरूप धारण करके बोली, राजकुमार, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम कोई उत्तम वर मांगो। राजकुमार बोला, माँ, मेरे पिता राजा बृहद्रथ अश्वमेघ नामक महान यज्ञ का
अनुष्ठान कर रहे हैं, वह देवयोग से रोगग्रस्त होकर स्वर्गगामी हो गए। इसी बीच में यूप में बंधे हुए मेरे यज्ञ संबंधी घोड़े को, जो समूची पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटा था, किसी ने रात्रि में बंधन काटकर कहीं अन्यत्र पहुंचा दिया। उसकी खोज में मैंने कुछ लोगों को भेजा था, किंतु वे कहीं भी उसका पता न पाकर जब खाली हाथ लौट आए हैं, तब मैं सब ऋत्विजों से आज्ञा लेकर तुम्हारी शरण में आया हूँ। देवी, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे यज्ञ का घोड़ा मुझे मिल जाए, जिससे यज्ञ पूर्ण हो सके, तभी मैं अपने पिता महाराज का ऋण उतार सकूंगा। शरणागतों पर दया करने वाली जगत जननी लक्ष्मी, जिससे मेरा यज्ञ पूर्ण हो, वह उपाय करो। भगवती लक्ष्मी ने कहा, राजकुमार, मेरे मंदिर के दरवाजे पर एक ब्राह्मण रहते हैं, जो लोगों में सिद्ध समाधि के नाम से विख्यात है। वे मेरी आज्ञा से तुम्हारा सब काम पूरा कर देंगे। महालक्ष्मी के इस प्रकार कहने पर राजकुमार उस स्थान पर आए जहाँ सिद्ध समाधि रहते थे। उनके चरणों में प्रणाम करके राजकुमार चुपचाप हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब ब्राह्मण ने कहा, तुम्हें माताजी ने यहाँ भेजा है। अच्छा, देखो, अब मैं तुम्हारा सारा अभिष्ट कार्य सिद्ध करता हूँ। यो कहकर मंत्रवेता ब्राह्मण ने सब देवताओं को वहीं खींचा। राजकुमार ने देखा, उस समय सब देवता हाथ जोड़े थर थर कांपते हुए वहाँ उपस्थित हो गए। तब उन श्रेष्ठ ब्राह्मण ने समस्त देवताओं से कहा, देवगण, इस राजकुमार का अश्व, जो यज्ञ के लिए निश्चित हो चुका था, रात में देवराज इंद्र ने चुरा कर अन्यंत्र पहुंचा दिया है, उसे शीघ्र ले आओ। तब देवताओं ने मुनि के कहने से यज्ञ का घोड़ा लाकर दे दिया। इसके बाद उन्होंने उन्हें जाने की आज्ञा दी। देवताओं का आकर्षण देखकर तथा खोए हुए अश्व को पाकर राजकुमार ने मुनि के चरणों में प्रणाम करके कहा, महर्षि, आपका यह सामर्थ्य आश्चर्यजनक है, आप ही ऐसे कार्य कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। ब्राह्मण, मेरी प्रार्थना सुनिए। मेरे पिता राजा बृहद्रथ अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ करके देवयोग में मृत्यु को प्राप्त हो गए, देवयोग से मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। अभी तक उनका शरीर तपाए हुए तेल में सुखाकर मैंने रख छोड़ा है। साधु श्रेष्ठ, आप उन्हें पुनः जीवित कर दीजिए। यह सुनकर महामुनि ब्राह्मण ने किंचित मुस्कुराकर कहा, चलो, जहाँ यज्ञ मंडप में तुम्हारे पिता मौजूद हैं, चलें। तब सिद्ध समाधि ने राजकुमार के साथ वहाँ जाकर जल अभिमंत्रित किया और उसे उस शव के मस्तक पर रखा। उसके रखते ही राजा सचेत होकर उठ बैठे। फिर उन्होंने ब्राह्मण को देखकर पूछा, धर्म स्वरूप, आप कौन हैं? तब राजकुमार ने महाराज से पहले का सारा हाल कह सुनाया। राजा ने अपने को पुनः जीवन दान देने वाले ब्राह्मण को नमस्कार करके पूछा, ब्राह्मण, किस पुण्य से आपको यह अलौकिक शक्ति प्राप्त हुई है? उनके यो कहने पर ब्राह्मण ने मधुर वाणी में कहा, राजन, मैं प्रतिदिन आलस्य रहित होकर गीता के 12वें अध्याय का जप करता हूँ, उसी से मुझे यह शक्ति मिली है, जिससे तुम्हें जीवन प्राप्त हुआ है। यह सुनकर ब्राह्मणों सहित राजा ने उन ब्रह्म ऋषि से गीता के 12वें अध्याय का अध्ययन किया। उसके महात्मा से उन सब की सद्गति हो गई। दूसरे जीव भी उसके पाठ से परम मोक्ष को प्राप्त हो चुके हैं। इस प्रकार ये श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय का महात्म्य पाठ अब समाप्त होता है। आशा है आपको पसंद आया होगा। तो बोलिए नारायण नारायण, जय श्री कृष्ण।